नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉलेज में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में फ़ोन को कैसे रिसीव किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी जब कर रहे और गेट में लैंडफोन लगाया गया है और उसमें कोई भी कॉल किए हैं, तो आप कैसे रिसीव करेंगे, कैसे बातें करेंगे। या किसी भी आईटी कंपनी में आपको रिसेप्शन में ड्यूटी दिया गया है, आप फ़ोन को लेकर कैसे बातें करेंगे। तो टोटली इस वीडियो में जानते हैं फुल प्रोसेस, बात करने की तरीका और कैसे बात किया जाता है। तो गाइस, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में गेट में ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं और कोई भी कॉल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं फ़ोन को रिसीव करके भी हेलो बोलते हैं बहुत सारे। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आपको सिक्योरिटी की शिफ्ट मोबाइल दिया गया है, शिफ्ट मोबाइल में भी रिसीव करके हेलो बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो भी कॉल कर रहे आप देख नहीं पा रहे, मतलब जिस बहुत सारे लैंडफोन ऐसे होते विदाउट डिस्प्ले वाला, मतलब जो डिस्प्ले वाला है तो ठीक है, कोई भी एचआर कॉल कर रहा है, कोई भी जीएम कॉल कर रहा है, कोई ऑपरेशन मैनेजर कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। जो डिस्प्ले है, जो विदाउट डिस्प्ले वाला जो लैंडफोन लगाया होता है उसमें पता नहीं होते, इसलिए रेस्पेक्ट से अच्छी तरफ रिसीव करना चाहिए। बहुत सारे ज़्यादातर अब मैं देखा हूँ जितने भी लैंडफोन लगाया जाता है मेन गेट आउट गेट में, ये सब में विदाउट डिस्प्ले वाला होता है, तो एचआर भी कॉल कर सकता है। और अगर आपकी कोई सुपरवाइजर, आपकी ऑफिसर, आपकी है जो भी सुपीरियर हो, एचआर की जो भी मैनेजर हो, कोई भी कॉल कर सकता है कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो भी सिक्योरिटी जॉब कर रहे उस गेट में, फ़ोन को पहले रिसीव कीजिए और पहले लोकेशन की नाम बोलिए और बाद में आपका नाम बोलिए, ऐसे बोल के रिसीव कीजिए, ताकि जो भी रिसीव करे उसको भी पता चले हाँ कौन सी प्लेस में मैं कॉल किया और कौन रिसीव किया। अगर आप नाम ना बोले तो भी हो जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते गुड मॉर्निंग मेन गेट सिक्योरिटी, मतलब विश कीजिए पहले, विश करने के बाद आपकी लोकेशन, जिस लोकेशन में ये लैंडफोन लगाया गया है लोकेशन की नाम और आप कौन है, सिक्योरिटी है तो वो तो ऑलरेडी तो पता ही है जो भी कॉल किए हैं सिक्योरिटी में लगा है, पर तब भी आप नेम मेंशन करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। और नाम लोकेशन बताने का कारण वही है क्योंकि जो भी आपको कॉल करे उसको परफेक्ट लोकेशन पता चले, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है वो आउटगेट में जो इंफॉर्मेशन जो देना चाहिए था वो मेन गेट में फ़ोन कर बता रहा है, तो उसको भी अच्छी तरह पता हो जाएगा कि आप कौन सी लोकेशन में कॉल लगा। और ऐसे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी जगह में कॉल कर रहे हैं और वो डायरेक्टली आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक ही बार में दे रहा है, कॉल पिकअप करने से भी, मतलब बता रहा है मैं सिक्योरिटी हूँ, मैं गेट से बता रहा हूँ, मेरा नाम है राम श्याम जो भी, तो आपको सडनली पता चल जाएगा कि हाँ मेन गेट में कॉल किए, सिक्योरिटी ने पिकअप किया, उसका नाम राम है। क्योंकि सिक्योरिटी की भी सेफ मतलब शिफ्ट चेंज होते रहते हैं, 8 आवर्स की ड्यूटी होने से दिन में 2-3 चेंज होते रहेंगे, तो आपको जो भी आप जिससे भी बात करेंगे आपको पता चल जाएगा और आप भी बता सकते हैं कि हाँ मैं सिक्योरिटी गेट में कॉल किया था और राम ने रिसीव किया था, तो राम को मैं पूछा था ऐसे बारे में कोरियर या नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल किए, तो आप लोग पर्टिकुलर नाम बता सकते हैं। नहीं तो ऐसे कॉल करने से आप बताना पड़ेगा कि आपकी नाम क्या है, तो आप ये कौन सी गेट में लगा है, अगर उसको रॉन्ग मतलब गेट कौन सी गेट के नंबर अच्छी तरह पता नहीं है किसी भी, ओनली पता है गेट का नंबर, कौन सा गेट गेट 3-4 ऐसे होने से वो पूछना पड़ेगा कि कौन सी गेट में लगा है, तो आप बता देंगे तो गेट नंबर 2 सिक्योरिटी राम, तो मतलब उसको पता चल जाएगा हाँ गेट नंबर 2 में लगा है, राम ने पिकअप किया है। और सेम लाइक दैट आप किसी भी प्रॉपर्टी में आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी जगह में आप कॉल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोकेशन के साथ नाम के साथ देना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में फेज 1 फेज 2 दो प्लेस है, अगर आप फेज 1 से फेज 2 में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे दो बंदा जा रहा है तो चेक करो, या दो आदमी जा रहा है देख लो, तो आपको कॉल करके दो आदमी जा रहा है चेक करो, ऐसा नहीं बोलना है।
आप प्रॉपर उसको कॉल करके प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि मैं राम बोल रहा हूँ, फेस वन से फेस टू में दो बंदे जा रहा है और ऐसे दो बैग लेकर जा रहा है, थोड़ा चेक कर लेना या देख लेना। प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने से वो भी जो भी सिक्योरिटी होगा उसको भी पता चलेगा और कौन किस लोकेशन से किस लोकेशन तक आ रहा है उसको भी ये भी पता चल जाएगा। ऐसे नहीं क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग मतलब प्रॉपर्टी में विदाउट डिस्प्ले वाला फ़ोन लैंड फोन होते हैं, या नहीं तो आप नाम भी बता सकते हैं और लोकेशन भी या कॉरिडोर जो भी हो, जितने भी जो भी लोकेशन लोकेशन से बताने से उसको पता चलेगा हाँ ये लोकेशन में। अगर किसी भी फ्लोर में आप जा रहे हैं, किसी भी कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ हो गया तो आप उधर से भी कॉल कर किसी जगह में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ए टू जेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे नहीं बता सकते कि जल्दी एक एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाओ फ्लोर में। अरे एक्सटिंग्विशर फ्लोर में लेकर आने के लिए बताने से कौन सी फ्लोर में आएगा, क्योंकि फ्लोर तो बहुत सारे होते हैं, 10th, 12th या 9th जो भी हो। अच्छा ठीक है, फ्लोर का बता दिया, 10th फ्लोर में आ जाओ या 5th फ्लोर में आ जाओ। 5th फ्लोर की इतने बड़े इलाका मतलब इतने बड़े की जो कॉरिडोर है या लिफ्ट लॉबी है या वॉशरूम की साइड है, तो कौन सी लोकेशन फ्लोर बताने से भी, फ्लोर का प्रॉपर लोकेशन बताने से वो सडनली आकर पहुंच सकती है। इसीलिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भी किसी को इन्फॉर्म करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है तो परफेक्ट लोकेशन के साथ ही देना चाहिए, तो ही वो जल्दी आकर पहुंच सकता है। और एक बात बताना मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे प्रॉपर्टी में लोकल कॉल्स की भी अलाउ किया जाता है, मतलब जो भी लैंड फोन है उससे लोकल कॉल भी जाता है, तो ऐसे ना करिए। नाइट में आपकी जो भी लैंड फोन है, रिसेप्शन में ड्यूटी हो या मेन गेट में ड्यूटी हो, आपके दोस्त के साथ टाइम पास मत कीजिए, ज़्यादा टाइम फ़ोन लगा कर बिजी मत रखिए लैंड फोन को, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन की जरिया है। किसी भी वो इंफॉर्मेशन कोई भी देने के लिए इस लैंड फोन से ही दे सकते हैं, बट आजकल तो हर किसी के मोबाइल से लोकल कॉल फ्री या एसटीडी कॉल भी फ्री होते हैं मंथली पैकेज हिसाब से, बट तब भी यही मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो लैंड फोन है उससे आप लोग कॉल करके बिजी भी हो सकते हैं, एक घंटा आधा घंटा बातें भी कर सकते हैं, बट करने से होगा क्या, कुछ भी कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए सोचेगा तो दे नहीं पाएगा, फ़ोन एंगेज रहेगा अगर आपकी मोबाइल चार्ज में हो तो। इसके लिए जो भी प्रॉपर्टी की जो भी लैंड फोन हो, जो भी फ़ोन हो, उससे ज़्यादा टाइम बातें मत ना कीजिए, जितना हो सके आपकी मोबाइल से कीजिए। और अपने जो भी सिस्टम है, सिस्टम में भी जो भी इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब पर्सनल चीज़ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ सर्वर में अपडेट होते हैं और करने से आपका कुछ भी प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है, किसी भी कारण से आपकी जॉब भी जा सकते हैं। इसके लिए मैं ये बताने का कारण यही है क्योंकि मैं फ़ोन रिलेटेड वीडियो ये अपडेट किया हूँ, तो इसके लिए थोड़ा फ़ोन के बारे में और सिस्टम के बारे में भी बता दिया क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ करते हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम दिया जाता है गेट में हो या ऑफिस में हो इंटरनेट की सुविधा के साथ, तो उसमें भी मिसयूज़ करते हैं। और जो शिफ्ट मोबाइल देते हैं ड्यूटी में सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी शिफ्ट में जो भी रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं एसटीडी कॉल भी लगा देते हैं, कभी कभी लोकल कॉल दो एक घंटा भी बातें कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे करने से मंथली जो बिल होता है, बिल ये आईटी के पास आता है बिल, और आईटी डिपार्टमेंट जो भी होता है उसने वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने से आप जितने नंबर में आए कॉल करेंगे, अगर आप आसाम से हो तो आसाम की एसटीडी कॉल से पता चल जाएगा, और बिहार से हो तो बिहार से भी पता चलेगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे उस स्टेट की नंबर से आपको पता करके ट्रैक कर आपको पकड़ सकते हैं। इसके इसलिए ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप लोग ना करें और ऐसे कामों से दूर रहिए, और जितना हो सके आप प्रॉपर्टी की जो भी सामान है उसको सेव कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ी रहिए।